नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 14 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है नवमी, पंडालों के बाहर दिखेगी लोगों की भीड़। बिहार में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी बनाने की शुरू हुई तैयारी। बिहार में बेटियों को सशक्त बनाने की शुरू हुई योजना। बिहार में 18 अक्टूबर से होगा वैक्सीनेशन का महासत्र। सभी शहरों से दूसरे राज्यों के लिए जल्द ही खुलेंगी बसें। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज है नवमी, पंडालों के बाहर दिखेगी लोगों की भीड़। नवरात्र के 8वें दिन आने के साथ ही पूजा पंडालों में माता के भक्तों की भीड़ आदमकद प्रतिमा को देखने के लिए लगने लगी और बिहार के सभी जिलों में मां दुर्गा पूजा मेले की रौनक देखने को मिल रही है। इस दौरान प्रशासन की तरफ से पुख्ता व्यवस्था भी की गई है। वहीं आज नवमी के दिन कन्या पूजन किए जाने का प्रावधान है, जिसका बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन कन्याओं को देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है। बिहार में बनेगा देश का शिल्प कला का म्यूजियम। बिहार में बनेगा देश का शिल्प कला का पहला म्यूजियम। शिल्प कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी बीच बिहार सरकार ने बिहार में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाने का फैसला लिया है, जो कि राजधानी पटना में बनने वाला है। इसको लेकर पटना के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान को शिल्प कला का म्यूजियम बनाने की कवायद शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसको लेकर क्राफ्ट सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसका 60% काम पूरा हो चुका है। उपेंद्र महारथी संस्थान के प्रशासनिक भवन को पूरी तरह से संग्रहालय के लिए परिवर्तित किया जाएगा। म्यूजियम के शिल्प कला, लोक कला, पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। आपको बता दें कि उपेंद्र महारथी संस्थान के प्रशासनिक भवन को म्यूजियम का लुक देने के लिए इसे पूरी तरह हाईटेक किया जाएगा और इसको अलग लुक दिया जाएगा, जिससे वो काफी आकर्षित लग सके। म्यूजियम बनाने का उद्देश्य है कि पर्यटकों को लोक कलाओं से जोड़ा जाए। बीटीआर में रुकने के लिए इको हट की ऑनलाइन बुकिंग शुरू। बीटीआर में रुकने के लिए इको हट अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो आपके पास यह सुनहरा मौका है, क्योंकि बीटीआर में रुकने के लिए इको हट की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। वहीं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नए पर्यटन सत्र की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है, इसलिए नए सत्र के लिए चल रही तैयारियों को लेकर वन पदाधिकारियों की बेचैनी भी बढ़ गई है। इसको लेकर प्रशासन साफ सफाई से लेकर मार्गों के मरम्मत और पदाधिकारी इको हट से लेकर जंगल सफारी के ठीक ढंग से शुरू करने में जोर शोर से जुट गए हैं। बरसात के कारण मुख्य तौर पर जंगली मार्गों को दुरुस्त किया जा रहा है, जिसके बाद अब जंगलों में रहने, घूमने और मौज मस्ती करने को लेकर पर्यटक काफी समय से बेताब हैं। बिहार में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी बनाने की शुरू हुई तैयारी। बिहार में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर बिहार को मध्य प्रदेश का भी साथ मिलने वाला है, जिसके तहत ही अब बिहार और मध्य प्रदेश के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी एक दूसरे से भूमि प्रबंधन के बारे में जानकारी लेंगे और अनुभव के आधार पर राज्यों में उसका उपयोग करेंगे, जिसके बाद अब दोनों राज्यों के विभागीय अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन 18 और 19 अक्टूबर को पटना में होने जा रहा है, जिसकी मेजबानी बिहार कर रहा है। बिहार की तरह ही मध्य प्रदेश ने भी जमीन से जुड़े दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन शुरू कर दिया था, जिसको कि अब पूरा कर लिया गया है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में अभी विशेष भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, मध्य प्रदेश में ये हो चुका है। सभी राजस्व गांव का डेटा कंप्यूटर में दर्ज है। बिहार सरकार ने निर्धारित किए धान के मूल्य। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने धान खरीदारी को लेकर मूल्य जारी कर दिया है। सरकार द्वारा जो धान का मूल्य निर्धारित किया गया है, उसके मुताबिक साधारण धान 1940 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए 1960 रुपए प्रति क्विंटल है, जिसके बाद 1 नवंबर से 31 जनवरी 2022 तक खरीद को लेकर समय का निर्धारण कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसानों को उनके उत्पादन का सरकार द्वारा समर्थित मूल्य मिले, इसको लेकर विभाग गंभीर है। अक्सर तैयारी नहीं होने के कारण समय से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाती है, जिसके कारण किसानों को औने पौने दामों पर उत्पादन बेचने पर मजबूर होना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिहार विश्वविद्यालय की तरफ से पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए जल्द ही शुरू होगा आवेदन। अगर आप भी बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास ये सुनहरा मौका है, क्योंकि बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की तरफ से पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2021 के लिए 16 से 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। इसको लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हनुमान पांडे के आदेश पर कुलसचिव डॉ आरके ठाकुर ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद ही इच्छुक और योग्य उम्मीदवार के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.bra.bu.net पर 16 अक्टूबर से फॉर्म उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही पैट 2020 में शेष रह गई सीटों को भी इसमें जोड़कर शीघ्र विषयवार रिक्त जारी की जाएगी। बिहार में बेटियों को सशक्त बनाने की शुरू हुई योजना।
बिहार भर की कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बच्चियों को छठी कक्षा से ही सशक्त और सुरक्षित रखने की तरकीब बताई जाएगी। राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने मुजफ्फरपुर समेत इन 33 जिलों के डीईओ और डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। इन बच्चियों के लिए किताबों का कितना सेट भेजा जा रहा है, इसकी सूची जिले को उपलब्ध करा दी गई है। वहीं इसको लेकर डीईओ ने बताया है कि इसके लिए 5-5 शिक्षिकाओं को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। पूजा की छुट्टी के बाद कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खुलने पर राज्य स्तर पर शिक्षिकाओं को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मॉनसून की हो रही है बिहार से विदाई। सूबे बिहार से मॉनसून की विदाई हो रही है और मॉनसून फिलहाल कोलकाता महाराष्ट्र के औरंगाबाद और सिलवासा से होकर गुजर रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में इन दिनों मौसम सामान्य है। वहीं 16 अक्टूबर के आसपास राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञानियों की माने तो तापमान में थोड़ी वृद्धि होने और स्थानीय कारणों से थोड़ी बहुत मौसम में बदलाव हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान पटना समेत इसके आसपास के क्षेत्रों में पूरे प्रदेश का मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। आज भी पटना समेत इसके आसपास मौसम के सामान्य रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। बिहार के 186 छात्राओं को हर महीने मिलेगा 1500 रुपए। बिहार के सभी 186 छात्राओं को हर महीने 1500 रुपए देने की तैयारी हो रही है। ये वैसी छात्राएं हैं जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिंगल गर्ल चाइल्ड की श्रेणी में शामिल है। हालांकि ये बिहार में पहली बार हुआ है जब एक बार में इतनी छात्राओं का चयन किया गया हो। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हर साल बोर्ड द्वारा सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति की घोषणा की जाती है। इसमें 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिलती है। इस छात्रवृत्ति के लिए देश भर से 1367 छात्राएं चयनित हुई हैं। ज्ञात हो आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से यह छात्रवृत्ति दी जाती है ताकि छात्राएं अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सके। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इस छात्रवृत्ति में वही छात्राएं आवेदन करती हैं जो 10वीं में 60% से अधिक अंक लाने में सफल हुई। 18 अक्टूबर से होगा वैक्सीनेशन का महासर्वे। बिहार में इन दिनों वैक्सीनेशन के काम को जोर शोर से करवाया जा रहा है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर भी बिहार सरकार ने 6 करोड़ लक्ष्य को पूरा करने का दावा किया है। इसी बीच अब बिहार में 18 अक्टूबर से वैक्सीनेशन के महासर्वे की शुरुआत होने वाली है। इसमें हर मतदाता से वैक्सीनेशन की स्थिति का पता लगाया जाएगा। इसमें आशा और ANM के साथ पूरी टीम लगाई जाएगी जो जमीनी स्तर पर वैक्सीनेशन की पूरी पड़ताल करेगी ताकि सरकार को सही जानकारी हासिल हो जाए। हालांकि हम आपको बता दें कि इसमें विशेष रूप से आशा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कैसे मतदाताओं को ट्रैक करना है और उनसे किन किन बिंदु पर सवाल और वोटर लिस्ट के हिसाब से अपडेट करना है, जिसके तहत अब आशा को ही वोटर लिस्ट दिया जाएगा और उन्हें कोड भी दिया जाएगा। बिहार के सभी जिलों में खुलेंगे 50-50 बेड के रक्षा गृह। बिहार के सभी जिलों में जल्द ही 50-50 बेड के रक्षा गृह खोलने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर समाज कल्याण विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है और विभागीय मंत्री ने सहमति भी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा जाएगा। अगर सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो दिसंबर से इसको लेकर काम शुरू हो जाएगा। इसको लेकर विभाग ने जिलों में जमीन चिन्हित करने के लिए सभी DM को पत्र भी जारी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में बालिका गृह में रहने वाली बालिकाओं से बातचीत कर विभाग के अधिकारियों ने ये जानने की कोशिश की थी कि होम में रहने से उन्हें किस तरीके की परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, सभी बालिकाओं से परेशानियों का समाधान भी मांगा गया था। दिसंबर से मार्च के बीच 1.72 लाख शिक्षकों की होगी नियुक्ति। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को जारी रखने के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी तक कोई मार्गदर्शन नहीं किया है। बिहार में पंचायत चुनाव के मद्देनजर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया ठप है। हालांकि ये आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर 15 दिसंबर तक आचार संहिता लागू है। ऐसे में तब तक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, उसके बाद ही नियोजन की प्रक्रिया हो पाएगी। जानकारों की माने तो दिसंबर से मार्च महीने के बीच ही अब शिक्षक नियोजन का काम होगा और 1.72 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हालांकि इन सबके बीच प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस की कवायद नवंबर महीने तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। सभी शहरों से दूसरे राज्यों के लिए खुलेंगी बसें। बिहार के सभी शहरों से जल्द ही झारखंड, यूपी और अन्य राज्यों के लिए बस सेवा की शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। इसको लेकर ही विभाग ने सबसे पहले बिहार और झारखंड के बीच 210 मार्गों पर बसों का परिचालन करने का निर्णय लिया है। विभाग ने बसों के संचालन के लिए वाहन मालिकों से 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन की मांग की है। 26 अक्टूबर तक आवेदन की हार्ड कॉपी विभाग के कार्यालय में जमा करनी है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 19 नवंबर को राज्य परिवहन प्राधिकार सह परिवहन आयुक्त के कार्यालय में बैठक होगी जिसमें बसों की परमिट पर अंतिम मुहर लगेगी। सीएम उद्यमी योजना के तहत 8000 लोगों को दिया गया लोन।
हाल ही में बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने सीएम उद्यमी योजना की शुरुआत की थी, जिसका फायदा लोग उठाने लगे हैं। यही कारण है कि सत्तू, बेसन, तेल, मखाना जैसे स्थानीय खाद्य उत्पादों की छोटी छोटी यूनिटें लगाने को लेकर कई लोगों ने लोन लेने का काम किया है, जिससे यह यूनिटें अर्थव्यवस्था में जान फूंक सकती हैं। दरअसल बिहार में ऐसे उत्पाद तैयार होंगे जिनके उत्पादक, उपभोक्ता, कच्चा माल और बाजार सभी स्थानीय होंगे। चारों उद्यमी योजनाओं में लक्ष्य से करीब 8 गुना अधिक आए कुल 62,500 आवेदनों में 60% निर्माण क्षेत्र के लिए है, जिसको की आर्थिक जानकार बेहद ही अहम मान रहे हैं। बड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए गृह विभाग ने बनाई रणनीति। बिहार के बड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए गृह विभाग अब खास रणनीति बना रहा है। इसको लेकर गृह विभाग आने वाले 3 महीने में खास तैयारी के साथ काम करने वाली है, जिसके तहत ही बिहार सरकार के गृह विभाग ने अगले 3 महीने तक मिशन मोड में लंबित मामलों का निपटारा करने का आदेश जारी किया है। हालांकि इस दौरान विभाग उन मामलों पर ज्यादा ध्यान देगी जो कुख्यात अपराधी रह चुके हैं और जिन पर एक से अधिक मामले दर्ज है, उन्हें ही प्राथमिकता देते हुए तुरंत ही सुनवाई का आदेश जारी किया जाएगा। इसको लेकर गृह विभाग ने सभी जिलों के अभियोजन पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता, विशेष लोक अभियोजक मुख्यालय, डीएसपी और अपर विशेष लोक अभियोजकों के साथ समीक्षा बैठक के बाद गृह विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया। बिहार के पानी में ढूंढा जाएगा यूरेनियम का स्रोत। हाल ही में महावीर कैंसर संस्थान ने पानी में यूरेनियम होने की बात कही थी, जिसके बाद अब महावीर कैंसर संस्थान ने पानी में यूरेनियम आया कहां से, इस बात की खोज करने वाला है। हालांकि अब तक मिली जानकारी के अनुसार यूरेनियम का हाई लेवल गंडक नदी के पूर्व दक्षिण गंगा की तरफ पाया गया। बिहार के गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, नालंदा और नवादा में इसका लेवल 30 से 50 माइक्रोन तक पाया गया है। अब पूरी टीम यूरेनियम के स्रोत को खंगालने में जुट गई है, क्योंकि यह कैंसर और लिवर डैमेज का बड़ा कारण है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक बिहार के पानी में आर्सेनिक तो मिलता रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार के पानी में यूरेनियम मिला है, जिसके बाद से ही लगातार बिहार में ग्राउंड वाटर पर शोध का काम चल रहा है। इसको लेकर हैंडपंप का भी सैंपल ले लिया गया है। बिहार आने से पहले लालू का कूल अंदाज सोशल मीडिया पर बटोर रहा है सुर्खियां। बिहार विधानसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार के लिए जल्द ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लंबे समय के बाद बिहार आ रहे हैं। इसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि इसी बीच उनके आगमन से पहले लालू यादव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में लालू यादव काला चश्मा पहने हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यह तस्वीर उनकी बेटी मीसा भारती ने शेयर की है। मीसा भारती द्वारा जो तस्वीर पोस्ट की गई है, उसमें लालू यादव काला चश्मा पहने अपने नाती के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मीसा भारती ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है कि और नाती में कूल दिखने की होड़। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में राहुल प्रियंका का नाम नहीं होने का जदयू ने बनाया मुद्दा। बिहार की राजनीति में इन दिनों बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा तेज है, जिसके तहत बिहार के सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए कमर कस ली है। इसी बीच जदयू ने आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, जिसके तहत इस लिस्ट में गांधी परिवार का नाम नहीं होने पर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अजय आलोक ने अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि पहली बार कांग्रेसियों ने पनौती की पहचान कर ली है और इस बात के लिए उन्हें बधाई। इसके साथ ही जदयू प्रवक्ता ने कहा कि अब तक तो कांग्रेस पार्टी भी मान चुकी है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रचार करने से कांग्रेस की लुटिया डूब जाती है और इसी वजह से वो बिहार के उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर है। देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में बिहार निभाएगा अपनी जिम्मेदारी। देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में बिहार की भूमिका को लेकर हाल ही में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने अपना बयान जारी किया है। दरअसल वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के लिए देश को तैयार करने और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा कर आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में 100 लाख करोड़ की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन शुभारंभ किया। इस दौरान बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी मौजूद थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने का सपना तो कईयों ने देखा और दिखाया, लेकिन इसे हकीकत में बदलने की ताकत सिर्फ एक शख्स में है और वो है देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके इस विजन और मिशन को पूरा करने में बिहार भी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। शिमला में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में आज ही के दिन हुई थी। यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद सरकार द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के बाद स्थापित किया गया भारत का चौथा विश्वविद्यालय था। भारत में 1953 को संपदा शुल्क अधिनियम प्रभाव में आया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में अपने 385,000 अनुयायियों के साथ कोचांदा में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपने समर्थकों को 22 बौद्ध प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करने की सलाह दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड की जरूरतें पूरी करने के लिए अतिरिक्त 200 अरब रुपए जारी करने की घोषणा 2008 में आज ही के दिन की थी। राजधानी दिल्ली में चल रहे 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन 2010 में आज ही के दिन हुआ।
भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर का जन्म 1981 में आज ही के दिन हुआ था। दिल्ली का मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 में आज ही के दिन हुआ था। भारत की थम महिला शासिका रजिया सुल्तान का निधन 1240 में आज ही के दिन हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया आर्यन को क्यों किया जा रहा है टारगेट। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर फिल्मी दुनिया की कई हस्तियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब शत्रुघ्न सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड के लोग डरपोक है। उन्होंने कहा कि कई लोग शाहरुख से अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं, साथ ही शाहरुख को धर्म के आधार पर टारगेट किया जा रहा है, यह कहना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उनका धर्म वजह बना, लेकिन कुछ लोग ये बात बीच में लाने लगे हैं जो कि सही नहीं है। जो भी भारतीय है वो भारत का बेटा है और संविधान में बराबर है। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा कि उनके बेटे को टारगेट किया जा रहा है, साथ ही साथ इसमें मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट सहित कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं कर रहा है। आकाश चोपड़ा ने बताया हार्दिक पांड्या का बेस्ट रिप्लेसमेंट। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को 15 सदस्यीय T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो जगह मिल गई है, लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर अभी भी कई सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब मिल पाना मुश्किल है, जिसके बाद इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि क्या हार्दिक की जगह भारतीय T20 स्क्वाड में किसी और को जगह दी जाएगी। इसको लेकर आकाश चोपड़ा ने अपना नाम सुझाया है। पांड्या के गेंदबाजी नहीं करने से आकाश चोपड़ा को लगता है कि ऑलराउंडर के तौर पर शार्दुल ठाकुर को टीम में जगह दी जा सकती है। उनका कहना है कि शार्दुल ने अपनी बल्लेबाजी में काफी सुधार किया है। सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 13 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,170 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,000 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,700 रुपए था। वहीं राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 107.86 रुपए प्रति लीटर और डीजल 99.92 रुपए प्रति लीटर था। अब हर कोई नहीं देख सकेगा आपका व्हाट्सएप स्टेटस। व्हाट्सएप की तरफ से जल्द ही एक नया सिक्योरिटी अपडेट जारी किया जा रहा है, जिसकी मदद से यूजर अपने व्हाट्सएप स्टेटस को हाइड कर सकेंगे। बता दें कि अभी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल सभी लोग आपका व्हाट्सएप स्टेटस देख सकते हैं। साथ ही अगर आपके कॉन्टैक्ट को किसी दूसरे ने अपने मोबाइल में सेव कर लिया है तो भी आपके व्हाट्सएप स्टेटस को देख सकता है। हालांकि व्हाट्सएप जल्द एंड्रॉइड यूजर के लिए नया सिक्योरिटी फीचर अपडेट लेकर आ रहा है। इस फीचर अपडेट को नए कस्टम प्राइवेसी सेटिंग की टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। व्हाट्सएप बीटा ट्रैकर WA Beta इन्फो की तरफ से जारी स्क्रीनशॉट में नई कस्टम प्राइवेसी सेटिंग की जानकारी दी गई है। बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के ट्विटर अकाउंट से हटा ब्लू टिक। बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के ट्विटर अकाउंट से बीते दिन ट्विटर ने ब्लू टिक को हटा दिया है। हालांकि अभी तक ट्विटर की इस कदम के पीछे के कारण का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन जानकारों की माने तो ट्विटर उन्हीं लोगों पर ऐसी कार्रवाई करता है जो ट्विटर अकाउंट पर एक्टिव नहीं होते हैं या फिर ट्विटर के जरिए कोई विवादित बयान दिया जाता है। लेकिन अब ट्विटर की तरफ से जवाब आने के बाद ही पता चल पाएगा कि ट्विटर ने ब्लू टिक आखिर क्यों हटाया है। हालांकि इससे पहले हाल ही में ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाने का काम किया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीष मोहरा, बबीता यादव, विजय घायल, सतीश आजाद, कुलवंत सिंह, गौतम कुमार, रविन्द्र पासवान, आनंद झा, विनय कुमार, नकुल कुमार, ओमकार सिंह, अनवर करीम, मोहम्मद तौहीद, महेश दास, विकास यादव, शंकर मुखिया। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके जिले में कौन सी जगह का दुर्गा पंडाल इस बार सबसे भव्य देखने को मिला। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।